यस फर्स्ट वी विल टेक योर अटेंडेंस. आयुषी चौधरी, हीर पटेल, प्रेजेंट सर, मैत्री पंचोली, अतुल्य जोसेफ, प्रेजेंट सर, हर्ष गामित, प्रेजेंट सर, टीशा रामी, प्रेजेंट सर, अनूप चौधरी, प्रेजेंट सर, कोमल चौधरी, प्रेजेंट सर, चौधरी शुभने, क्रीना चौधरी, प्रेजेंट सर, वत्सल चौधरी, कृषा बक्ता, प्रेजेंट सर, हेत्री पटेल, प्रेजेंट सर, धीरज, भुवनेश्वरी पावागढ़ी, पलक चौधरी, प्रेजेंट सर, दीप गामित, प्रेजेंट सर, नंद पटेल, धर्मेश, निसर्ग पंचाल, कर्णवी चौधरी, प्रेजेंट सर, निसर्ग पंचाल, कर्णवी चौधरी, प्रेजेंट सर, ख्याति, प्रेजेंट सर, प्रियांक, शिव मिस्त्री, प्रेजेंट, हेत चौधरी, प्रेजेंट सर, शिवम टेलर, भाविनी पटेल, हर्ष, शिवम टेलर, प्रेजेंट सर, भाविनी पटेल, प्रेजेंट सर, हर्ष, रित चौधरी, प्रेजेंट सर, भावेश गामित, यश गांगुड़े, हर्ष पटेल, कृष्णा गामित, प्रेजेंट सर, रिया परमार. चलो anyone left in attendance let me know. Yes, Vatsal Chaudhary. Yes sir. Vatsal Chaudhary ka attendance pehle kabhi hua nahi hai kya? Mera non the kyun nahi aate the class mein? Vatsal Chaudhary baki hai. क्या बोल रहे हो बेटा, जोर से बोलो. नंद पटेल. नंद पटेल नहीं, मैं वत्सल की बात कर रहा हूँ. वत्सल? हाँ सर. हाँ वत्सल आया था कल. ठीक है. नंद पटेल, नंद पटेल. यस. और कोई रह गया अटेंडेंस में तो बताओ. सर कल मैं अभी देख गया था. किसका? शिव मिस्त्री. शिव मिस्त्री. शिव मिस्त्री का कल अटेंडेंस नहीं हुआ था बेटा. आपने बोला नहीं था क्या? बोला था पर मैं गया था. चलो ठीक है, मैंने कर दिया आपका. चलो और कौन रह गया? मैत्री पंचोली हैज जॉइंड. ये सब लेट आते हो तो फिर अटेंडेंस रह जाता है. अब जल्दी आया करो. चलो अच्छा, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, है ना, जिसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया था. आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के फीचर्स पढ़ेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन? हाँ, कौन बताएगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन? Can I? Yes.
in parallel combination, current does not flow in one direction. Okay. In parallel combination, other thing is the voltage is constant. Okay. And resistance changes. Resistance changes. Yeah. Resistance तो वैसे भी different ही होते हैं, चाहे आप सीरीज की बात करो चाहे पैरेलल की बात करो. हाँ, ये आप बोल सकते हो वोल्टेज इज कांस्टेंट एंड करंट चेंजेस. दिस इज द फर्स्ट फीचर. सेकंड फीचर इज व्हाट? फर्स्ट फीचर यू कैन से दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन योर पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. वेरी गुड. एंड योर करंट चेंजेस I is equal to I1 plus I2 plus I3. ठीक है. Yes, next point what you can say? Resistance के बारे में आप ऐसा नहीं बोलोगे कि resistance changes. You can say that the equivalent resistance is sum of the reciprocal of individual resistance. You can say that the equivalent resistance is equal to the sum of the resistance of the individual resistance. ठीक है, you can say like this. ठीक है, चलो ये हो गए features of parallel combination. इसके अलावा advantages क्या है? Who will tell the advantages of parallel combination? What are the advantages of parallel combination? What are the advantages of parallel combination? Yes. Can I? Yes. तो उसके advantage वो है कि अगर कोई दो तीन चीजें एक साथ connected होती है parallel में, तो अगर एक साथ fuse भूल जाता है तो दूसरी work. The other thing also works. They will not stop working. Very good. बहुत अच्छी बात है. कल मैंने आपको बताया था, देखो इसने याद रखा. वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट. कि जब भी हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारा एक भी अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर वर्क नहीं करता है तो वो हमारे बाकी अप्लायंसेस को इफेक्ट नहीं करता है. ठीक है, और इट प्रोवाइड्स अस फ्लेक्सिबिलिटी, है ना. पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि हम मल्टीपल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑपरेट कर सकते हैं. जैसे हम घर में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑपरेट करते हैं, गीजर को, हीटर्स को, ट्यूबलाइट्स को, फैंस को, हाउस होल्ड के जितने भी कनेक्शंस हमारे होते हैं वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं. इसलिए आपकी अगर लाइट फ्यूज हो जाती है तो ऐसा नहीं आपका फैन बंद हो जाता है. लाइट फ्यूज होती है तो लाइट ही बंद होती है, फैन फ्यूज होता है तो फैन बंद होता है, है ना. तो इस तरह से इट प्रोवाइड्स अस फ्लेक्सिबिलिटी, है ना. पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड्स अस द फ्लेक्सिबिलिटी. And another is that when different devices are connected in parallel, then the potential difference across each device is equal to the applied potential difference. ठीक है, hence we can draw, they can draw the current as per their requirement. है ना, तो इसका मतलब ये है जिसको जितनी requirement है वो उतना current ले लेगा. मैंने आपको कल बताया था एक father के तीन बेटे थे, है ना. पहले बेटे ने I1 current ले लिया, उस क्योंकि उसको I1 current ही चाहिए था. दूसरे ने कितना ले लिया? I2 करंट ले लिया. तीसरे ने कितना ले लिया? I3 ले लिया. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. टोस्टर को रिक्वायरमेंट था I1 करंट का, उसने I1 करंट ड्रॉ कर लिया. हीटर को I2 करंट चाहिए था, उसने I2 करंट ले लिया. फैन को I3 करंट चाहिए था, उसने I3 करंट ले लिया. सो एज पर द रिक्वायरमेंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अप्लायंस कैन ड्रॉ द करंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. ठीक है, दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन पैरेलल. So today we are going to study the combination of series and parallel. Yes. कौन बोल रहा है? को सी यू मिस्त्री. हाँ बोलो बेटा. So third को I3 और I1 दोनों चाहिए तो क्या करेगा? किसको? Third को. Third को. बेटा देखो इसमें कैसा होता है parallel combination में, कल ही मैंने आपको बताया था, जो आपकी नेट करंट होती है वो डिवाइड हो जाती है. अब जितने भी आप अप्लायंस लगाओ, आप चाहे इधर एक एप्लीकेशन लगाओ, चाहे आप दो लगाओ, चाहे आप तीन लगाओ,
चाहे आप चार लगाओ, चाहे आप पांच लगाओ, कितने भी आप रेजिस्टर्स लगा दो, आपकी मेन जो करंट होगी वो तो आई ही रहेगी। बेटा फादर तो फादर ही होता है ना। अब ऐसा तो नहीं कि फादर के पास 100 रुपए है और आपने मांग लिए 200 रुपए, तो कहां से देंगे वो? पापा के पास 100 रुपए हैं और आप बोलते हो 200 रुपए दो, तो कहां से देंगे वो 200 रुपए? फॉर एग्जाम्पल आपके फादर के पास 100 रुपीज है, तो बेटे कितने मांगेंगे? थोड़े थोड़े ही मांगेंगे ना, मेरे को 5 रुपए दे दो, मेरे को 15 दे दो, मेरे को 25 दे दो, मेरे को 20 दे दो, मेरे को 30 दे दो, जो भी दे दो एक्स वाई जेड। तो सब मिला के जो आपका टोटल सम होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए? 100 के बराबर होना चाहिए। अब आप जैसे मुझे नहीं पता आप लोगों का नेचर कैसा है, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं पापा से ज़्यादा मांग लेते हैं, बेचारे पापा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बेटे को कहाँ से ला के दे कहाँ से ला के दे, ऐसा तो नहीं करते ना? कई बच्चे ऐसे होते हैं बोलते मने आपन जो ही है, मने एपन जो ही है, मने बुलेट जो ही है, मने मोटी कार जो ही है, तो पची पापा हूं करे क्या थी पहिया काटवाना? एम आई टॉकिंग राइट? बैंक माथी हाँ बैंक माथी लोन लेवानू, पण अहिया लोन लेवानू कई सिस्टम नथी, जेटलू होए एटलू अज आपवानू, एटलू मा मैनेज आपने करवू पड़े। ओके चलो ओके हाँ, तो ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस। सो अभी मैं आपसे क्या बोल रहा था, हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, कॉम्बिनेशंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। सो हर जगह पे हम सीरीज भी नहीं यूज कर सकते और हर जगह पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी नहीं यूज कर सकते, तो हम दोनों का कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं, ठीक है। जनरली जो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट होती है वहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जैसे कि ये मेरी सर्किट है और ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया R1, लेट्स से इसका रेजिस्टर है 5 ओम, इसके साथ मैंने दूसरा रेजिस्टर। आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ तो आपको बोलना तो चाहिए था, बाप रे बाप, तो मुझे बताया तो होता। बेटा मैंने आपको कल ही बताया था, ऐसा तो कोई इशू हो तो बता दिया करो, अब मैंने तो इतना सारा लिख दिया, देखो अब इधर ये देखो, फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हमने डिस्कस किया है ना, तो फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन सबको पता चल गए। अब ये सब पॉइंट्स देख लो आप, बाद में लिख लेना कोई बात नहीं। पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मैं तो कब से वाइट स्क्रीन पे लिखते जा रहा हूँ, मुझे क्या पता आपको मैंने शेयर ही नहीं करी, आपको बोलना तो चाहिए एक बार कम से कम। हमको लगा कि आप ऐसे ही समझा रहे हो। अरे बाप रे बाप, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ हो तो मेरे को बोल दिया करो, है ना, हमेशा याद रखो कि वाइट स्क्रीन मैंने शेयर करी है कि नहीं करी। मैं तो इतना सब लिखते जा रहा हूँ स्क्रीन पे, मुझे लगा आप लोग देखते जा रहे हो सब। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब इधर देख लो एक बार फिर से पॉइंट्स ये डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, करंट डिवाइड हो जाती है विच इज I1 प्लस I2 प्लस I3, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यू कैन राइट एज द सम ऑफ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी to connect the different electrical appliances, ठीक है। What is the combination of series and parallel? अच्छा parallel में आपने जो question पूछा था तो मैंने उसका answer बता दिया आपको, कि जो total current होती है that total current gets divided into different resistors, ठीक है, according to the requirement, according to the need, जिस appliance को जितनी current की जरूरत है वो उतनी current यहाँ main source से draw कर लेता है। जैसे पहले वाले appliance को 5 ampere current चाहिए तो इसने 5 ampere ले लिया, दूसरे अप्लायंस को 15 एम्पियर चाहिए उसने 15 एम्पियर ले लिया। सो अकॉर्डिंग टू द नीड एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ड्रॉ द करंट्स फ्रॉम दिस मेन सोर्स, ठीक है। सो यहाँ तक हमने अभी तक डिस्कशन कर लिया, अब सबको क्लियर हो गया? यस। चलो अब आ जाओ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। तो जनरली जो हम
स्टडी करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस को स्टडी करते हैं। तो जैसे कि मैंने ये एक रेजिस्टर इसके साथ लगा दिया कॉम्बिनेशन में, सपोज दिस इज कनेक्टेड टू, दिस इज रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम। लेट मी ड्रॉ वंस अगेन। Let's say this is your circuit and these resistance are of 2 ohm, 2 ohm and 2 ohm. This is resistance of 3 ohm. Let's say this current is I passing in the circuit, and let's say the potential across this is 5 volt. ठीक है? सो अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द करंट आई व्हिच इज पासिंग इन द सर्किट, इफ यू नीड टू कैलकुलेट द करंट आई व्हिच इज पासिंग इन द सर्किट, देन व्हाट विल यू डू? फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स। ठीक है? सो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करता हूं सर्किट में रेजिस्टर्स का, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है? हाँ, किसी को आता है ये निकालना? आता है किसी को? यस, बेटा आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर, नहीं आता है। चलो ठीक है, आज हम ये सीखेंगे। yes, देखो sir. चलो इसको लर्न करेंगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो मुझे दिख रहा है ये वाले जो तीन रेजिस्टर्स है ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना। सो ये तीन रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले मैं वो निकाल लूंगा। सो ये तीन रेजिस्टर्स के लिए मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, 1/R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है? सो यहां से आपका ये R इक्विवेलेंट 1, इसको मैं 1 नाम दे देता हूं। सो यू विल गेट 1/R इक्विवेलेंट 1 व्हिच इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 व्हिच इज 3/2। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट योर R इक्विवेलेंट 1 व्हिच इज इक्वल टू 2/3। ठीक है? अब आपको ये तीनों का इक्विवेलेंट मिल गया 2/3। 2/3 आपका R इक्विवेलेंट 1 है। R इक्विवेलेंट 1 का मतलब इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज थ्री रेजिस्टर्स। ये तीन रेजिस्टर का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। सो अब हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, देखो अब मेरा सर्किट कैसा हो जाएगा। आई कैन रीड्रॉ माई सर्किट अगेन। कैसे हो जाएगा 2/3 कैसे हो जाएगा? इधर देखो बेटा, इक्वेशन लिखो, सी द इक्वेशन हियर। 1/R इक्विवेलेंट 1 का वैल्यू 3/2 था, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। yes. ये 1/R का वैल्यू हमने निकाला है 3/2। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ये 1/R का वैल्यू हमें मिला है 3/2, तो R का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू तो 2/3 होगा ना। ठीक है? ओके। सो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टर किसका मिल गया, ये तीन पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपने इक्विवेलेंट निकाल दिया। अब हमारा सर्किट कैसा बनेगा देखो, तो पहला रेजिस्टर तो हमारा सेम ही रहेगा। पहला रेजिस्टर हमारा क्या था, 5 ओम का, तो वो तो मैं एज इट इज बना दूंगा 5 ओम का। दूसरा रेजिस्टर देखो, अब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, ये तीनों का मैंने इक्विवेलेंट निकाल दिया ना, ये वाले जो तीन रेजिस्टर्स हैं इनका मैंने इक्विवेलेंट निकाल दिया, कितना आया 2/3। सो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को एक ही से रिप्लेस कर दूंगा विच इज 2/3
ओम, विच इज 2/3 ओम। और तीसरा रजिस्टर मेरा क्या था, तीसरा रजिस्टर देखो मेरा क्या था, थर्ड रजिस्टर जो मेरा था 3 ओम का था, तो वो मैं एज इट इज लगा दूंगा 3 ओम का रजिस्टर। दिस इज द रजिस्टर ऑफ 3 ओम। अब इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा वापस वही बैटरी से, हमारा सर्किट एज इट इज हो जाएगा। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज योर करंट आई। ठीक है, अब देखो अगर आप इन तीनों रेजिस्टर्स को देखो तो ये सीरीज में कनेक्टेड है ना, दिस 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो मैं अब इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालूंगा। सो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अगेन आई विल राइट आर इक्विवेलेंट टू, विच इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो आई विल राइट हियर, आई विल एड अप ऑल दीज रेजिस्टर्स, 5 + 2/3 + 3, सो यू विल गेट 5 + 2/3 + 3, दिस विल बी योर आर इक्विवेलेंट टू। सो इसको ऐड कर लोगे अब एलसीएम लेके, 10/3 कितना आ जाएगा, ये 10/3 कैसे आएगा, ये 1 3 3, तो 5 3 15 प्लस 2 26/3 + 9 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 26/3। तो आपका रेजिस्टेंस आ गया 26/3 ओम। ठीक है, दिस इज योर आर इक्विवेलेंट टू। सो अब हम फिर से सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अब ये तीनों को मैं एक ही रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा। आई विल ड्रॉ द डायग्राम अगेन। फिर से देखो मैं क्या करूंगा, ये 3 रेजिस्टेंस की जगह अब एक ही रेजिस्टेंस मुझे मिल गया। दिस इज माय पॉजिटिव, दिस इज माय नेगेटिव, दिस इज 5 वोल्ट बैटरी, दिस इज करंट आई। रेजिस्टेंस कितना मिल गया, 26/3। सो आई विल राइट हियर 26/3 ओम। अब मुझे करंट निकालना है। सो करंट निकालने के लिए आई विल अप्लाई ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई इन टू आर। सो आई नो द वैल्यू ऑफ वी, वी का वैल्यू कितना है 5 वोल्ट, विच इज इक्वल टू आई इन टू, अब दिस विल बी योर आर इक्विवेलेंट टू। जो हमने फाइनल रेजिस्टेंस निकाला है यहाँ पे वो वैल्यू पुट करोगे। सो यहाँ पे फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई, 26/3। सो यू विल पुट हियर 26/, तो यहां से आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी देखो कितनी, 15/26। योर करंट विल बी 15/26 एम्पियर। दिस विल बी योर आंसर। यस, समझ आया सबको? वेरी गुड। चलो आज हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग ट्राई करोगे? यस यस वेरी गुड। सपोज करो मैंने सर्किट ऐसा कुछ बनाया,
ये सबको सर्किट दिख रहा है? हाँ सर। ओके, फाइंड करो करंट कितना होगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है आपको, जैसा मैंने ऊपर बताया। यू हैव टू अप्लाई द सेम प्रोसेस, फाइंड द करंट। फर्स्ट स्टेप में 2 ओम आएगा। पहले चेक करो सीरीज में कौन से, पैरेलल में कौन से, उसके बाद फिर अप्लाई करो। यस, मैंने कल आपको वीडियो शेयर किया था, बहुत सारे जनों को, सबने देखा था वीडियो कल? वेरी गुड। किसी को फायदा हुआ वीडियो से या फिर ऐसे ही मैं डालते जा रहा हूँ? इज देर एनी वैल्यू एडिशन फॉर दिस वीडियो? हाँ सर, लिखने का टाइम मिलता है, वो अच्छी बात। लिखने का टाइम मिल जाता है, चलो ठीक है। अच्छा एक चीज मैं और बोल रहा था, कल बहुत सारे जनों ने वीडियो लाइक किया था पर सब्सक्राइब करना भूल गए थे, मुझे ऐसा लगता है आप लोग। मेरे पास सबकी लिस्ट आ जाती है, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, है ना? जो जो सब्सक्राइब करते हैं मेरे पास उसका नाम आ जाता है, उसकी पूरी लिस्ट आ जाती है। कल सब्सक्राइब करना लगता है आप लोग भूल गए, लाइक्स तो बहुत सारे आए बट सब्सक्राइब करना भूल गए शायद। चलो सॉल्व किया सबने, क्या आंसर आ रहा है बताओ? करंट का वैल्यू कितना आ रहा है? चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सी हियर, फर्स्ट सी, दीज टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इनका इक्विवेलेंट निकाल लोगे। इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? का इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/2 ओम, ठीक है? अब देखोगे ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, सो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 + 1/2 + 1। समझ रहे हो इक्विवेलेंट सर्किट? अभी अभी तो मैंने आपको सिखाया, इसका इक्विवेलेंट कैसा होगा? देखो ये 1 ओम का तो रहेगा ही, यहाँ पे इतना हो जाएगा 1/2 ओम, 1/2, 1 एंड अगेन 1, ठीक है? सो ये तीन रेजिस्टर्स हो जाएंगे, तो तीनों का सीरीज में कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहां से आपका करंट कितना आई है?
तीनों का कंबाइन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 बाय 2, सो वी विल गेट 5 बाय 2 ओम्स. दिस विल बी योर आर फाइनल. नाउ अप्लाई द ओम्स लॉ. V is equal to I into R into 5 by 2. पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 वोल्ट. सो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, 20/5, 4 एम्पियर, विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर. सिंपल तो था, इसमें टफ क्या लगा मेरे को ये बताओ पहले, क्या उसमें कुछ टफ था क्या? यस एनीवन, इसमें कुछ टफ लगा क्या आपको, बताओ. एक और एग्जांपल कर लो, ज्यादा टफ लगा तो एक और एग्जांपल देख लो. सर 2 मिनट वेट करें. अच्छा वेट करें. हो गया. चलो एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओ. सपोज करो मैंने आपको एक सर्किट दिया इस तरह का, एक सर्किट और हम करेंगे. हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसको आपको ध्यान से करना है, ठीक है? गुड गुड क्वेश्चंस वी आर डूइंग. स्क्रीन नहीं दिख रहा सबको, नहीं दिख रहा क्या? स्क्रीन दिख रहा सर्किट पर दिख गया तो. अच्छा सर्किट नहीं दिख रहा, सर्किट में ड्रॉ करूंगा तो दिखेगा ना. अब दिख रहा है? यस सर. हम बोले सर्किट नहीं दिख रहा बेटा, मैंने ड्रॉ ही नहीं किया अभी तो कहां से दिखेगा. ठीक है, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट. चलो सबको सर्किट दिख रहा है अब? यस सर. ओके चलो आप ट्राई करोगे या फिर मैं बताऊं कैसे करना है? सर
अच्छा जल्दी से ट्राई करो, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में अगर आप नहीं बता पाए तो आई विल टेल। यस हो गया सर, आंसर आया तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। कौन है, क्या नाम है, क्या नाम है आपका? क्रीना। क्रीना हाँ, क्या आंसर आ रहा है बेटा बताओ? 13/5। क्रीना का आंसर आ रहा है 13/5 एम्पियर, है ना? यस। चलो चेक करते हैं और किसी ने किसका और किसका आया? टीशा। टीशा रामी का भी सेम आया? यस सर। अच्छा चलो वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये दो और किसी ने निकाला क्या? चलो ठीक है, अब मैं बता देता हूँ। पहले ये दो रेजिस्टर्स का निकालोगे इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा, 1+1 2। इसका दोनों का क्या हो जाएगा, 2+2 यू विल गेट 4 एंड दिस इज 3। नाउ दीज 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इनका इफेक्टिव कॉम्बिनेशन निकालोगे। सो इनका इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 + 1/4 + 1/3। सो इनका इफेक्टिव आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12। सो ये हो जाएगा 2 6s are 12 + 4 3s are 12 + 3 4s are 12। सो 4 + 3 7 + 6 13। सो यू विल गेट 13/12 विच इज इक्वल टू 1/r, है ना? तो यहाँ से आपकी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/13। r विल बी 12/13, ठीक है। अब ये 12/13 जो R होगा ये 1 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, 1 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा। सो यू विल राइट दिस 12/13 + 1। सो यू विल गेट 13 + 12 = 25/13, 25/13। सो दिस विल बी योर नेट रिजल्टेंट, दिस विल बी योर R फाइनल विच इज 25/13। सो नाउ वी अप्लाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I टाइम्स R। सो यहाँ से V आपको पता है 5 वोल्ट, करंट आपको फाइंड करना है और R की वैल्यू है 25/13। सो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 5s are 25, करंट विल बी 13/5। क्या 13/5 ही आया था आपका? यस सर।
वेरी गुड, दोनों बच्चों का राइट है, करीना का भी राइट है, वेरी गुड करीना एंड वेरी गुड टीशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। ठीक है, दोनों के लिए वन स्माइली बना देता हूँ। वेरी गुड, चलो अब सबको समझ आ गया है कॉम्बिनेशंस। यस सर। वेरी गुड, सबको समझ आया, चलो वेरी गुड। सो आज आपका जो होमवर्क रहेगा वो इसी पे रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स का। आज आपको मैं होमवर्क दूंगा, अगर आपने नोट्स कंप्लीट कर लिए तो आज आपको मैं न्यूमेरिकल्स दूंगा, 5 to 6 न्यूमेरिकल्स यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक ऑफ दिस सर्किट डायग्राम। ओके, यस, एंड आई विल वेट फॉर योर सब्सक्राइब। ठीक है, हाँ, आई विल वेट फॉर योर सब्सक्राइबर्स। चलो, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर ऑल।